पुलिस लाइन स्थित मेस के सभागार में मंगलवार को पुलिस पेंशनर्स गोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस पेंशनर्स गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक तिमाही को आप जरूर इकट्ठा हों और आप लोगों को बहुत सारे मसले होते हैं जिसे हल किया जा सकता है। इस दौरान शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर शिवशंकर शाही को सम्मानित किया गया। गोष्ठी के अंत में संभल जिले में बदमाशों द्वारा दो सिपाहियों के मारे जाने पर उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पुलिस पेंशनर्स गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, रिटायर्ड आईजी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में रिटायर्ड पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, हमारे माननीय एसएसपी साहब के इंतजार, हमारे माननीय सेवानिवृत्त आजी साहब, माननीय आजी साहब का हार्दिक अभिनंदन। उसकी यह काफ़ी गर्मी भी कर रही है। एसएसपी साहब, आप लोगों की भीड़ को देखते हुए जो कहने का व्यवस्था बनाई है, लेकिन अप्रैल में चूंकि चुनाव चल रहा था और तमाम वीआईपी डिप्टी वगैरह आपकी वजह से सुख शांति सभी हम लोगों को मिलती, हम लोग चैन से सोते हैं। अगर पुलिस न रहे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। उनके लड़के बच्चों को सही राय, हम इस परिवार के वरिष्ठ नागरिक है। मैं 81+ वरिष्ठ नागरिक को अपने मेरा दायित्व बनता है कि हम सबको शुभकामना दें। आप जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आए हुए हैं, कर्मचारी आए हुए हैं, उनके दिल्ली होने का सामना करता हूँ। उनका स्वस्थ रहें, उनका परिवार बढ़िया रहे, उनके बाल बच्चे अच्छी नौकरी पाए। साथ ही साथ हम नए अधिकारियों के भी उचित और मंगल प्रदेश की कामना करता हूँ। इस तरह से प्रगति करते हुए ऐसा करें कि विभाग का नाम, देश का नाम रोशन हो, जिले का नाम रोशन हो। तो मैं चाहूँगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आपको मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए। ये बहाना नहीं चलेगा कि इलेक्शन था, इलेक्शन रहेगा, इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन मेरी ओर से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे आप हर तीसरे महीने जरूर इकट्ठा हो, जरूर से इकट्ठा हो, और मेरा भले ही आधा घंटा ले कहीं से ले, और मैं इसमें सहर्ष तैयार हूँ। बहुत सारे मसले होते हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। आपसे जो आप वरिष्ठ लोगों का सानिध्य आशीर्वाद मिल जाता है, मुझे लगता है उसी वजह से मेरा ये 6 महीना ठीक गुजर रहा है, जो हमें 6 महीने पहले आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। और मैं चंद बातें जल्दी जल्दी बताऊँगा। बहुत सारा पैकेज मैं लेके आया हूँ। तो पहला पैकेज आपने देखा, 6 महीने पहले ये हॉल नहीं था, ये हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया, सोचा कि यहाँ बैठने की जगह एक पुलिस लाइन में हो जाए, और हमारे पास नई बैरक बन गई। तो हमने कहा इस पुरानी बैरक को, थोड़ा अंग्रेजों के स्टाइल की बैरक है, इसको उसका मूल स्वरूप रखते हुए ही कुछ रिनोवेट करके ये आंगन आपके लिए तैयार किया गया है, और आपके बच्चे भी यहाँ पर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा शाही साहब ने कहा कि रिक्रूट भी है, वर्किंग भी है, और पेंशनर्स भी यहाँ पर, मतलब 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और मैं चूंकि वर्किंग पीढ़ी का मुखिया हूँ, मेरी पूरी जिम्मेदारी है आप सभी के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं रहूँगा। यहाँ पहली घोषणा तो मैं यही करना चाहूँगा, आप सबका स्वागत है इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए। आप अपने घर के छोटे मोटे फंक्शन यहाँ करना चाहें, आरआई साहब से संपर्क करें, इस हॉल का इस्तेमाल करें। बाहर अच्छा सा लॉन डेवलप कर रहे हैं, साथ में वो जो बिल्डिंग है उसको हमने इसमें मर्ज कर दिया है। 2 बेडरूम उसमें है, एसी 2 बेडरूम है। आप अपने किसी गेस्ट को रुकाना चाहें, आप हमें संपर्क करें। ये शहर के बीचों बीच स्थान पे है, बच्चे का बर्थडे है, आपने नाती पोती है, उसको दिखाना ही देखो, पुलिस की फैमिली से जो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। आप आए, छोटा मोटा आपने लड़की को दिखाना है, तिलक करनी है, छोटा 50-100 आपकी घर का फंक्शन करने लायक यहाँ पर मेज, कुर्सी, बर्तन, आपका डाइनिंग सब कुछ अवेलेबल है। खाली बाहर से आपको सेवा में दिए जाएंगे।
मैं आपसे पहला अनुरोध करूंगा, ये फैसिलिटी आपकी है, सरकार के पैसे की बनी है, आप देख रहे हैं हमने एसी तक लगा दिए ढेर सारे यहाँ पर, आप अपने दो आप फैमिली का 10 सदस्य मानते हुए ये हाल आप यूज करें, और दो कमरे आपके पास है और बाहर लॉन है, शाम को अच्छी लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था की गई है, आप इस तरह का छोटा मोटा फंक्शन करें, यू आर मोस्ट वेलकम। हम इसके लिए कुछ गाइडलाइन बना रहे हैं अभी कि मात्र आपको 2,000-3,000 रुपये में ही ये चीज़ उपलब्ध हो जाए, तो बाहर होटल के लिए या आपको मैरिज लॉन के लिए मुश्किल होती है, और सुरक्षित जगह है, शहर के सेंटर में है। इसी तरह से मेरा दूसरा ऑफर आपके लिए है, मैं आरआई साहब से और शाही साहब बैठे, मैं इनका योगदान चाहूँगा उसमें कि एक फिजियोथेरेपी सेंटर हम पुलिस लाइन में खोल दें, हमारे पास स्पेस है, वहाँ पर जो छोटी छोटी मशीनें आती हैं एक्सरसाइज करने की, हफ्ते में दो ही दिन सैटरडे और संडे में आ जाए कोई, फिर हमारे बच्चे कोई ट्रेंड हो जाएंगे, हम किसी फॉलोअर को ट्रेंड कर देंगे, हमारे पास फार्मासिस्ट है, हमारे पास भी एक डॉक्टर साहब होते हैं, तो उनको लेकर के एक अगर आरआई साहब जो सामने की तरफ हमने एक छोटी सी शूटिंग रेंज बनाई है इतनी बड़ी, जिसमें हम एयर गन से शूटिंग करा रहे हैं आजकल, जो लोग हमें गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उनको हम एयर वाली गन बड़ी वाली और पिस्टल दोनों से शूटिंग कराते हैं, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं, फिर लाइसेंस की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, शासन के आदेश में था कि कुछ ट्रेनिंग कराई जाए उनको, वो एक फैसिलिटी है। वहीं पर ही हमने एक जिम डालने की अभी प्लानिंग है हमारी, छोटी से 2-3 मशीनें होती हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डम्बल शम्बल करना चाहें, उस एरिया को भी अभी आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीने के अंदर बरसात के बाद एक जैसे आपने ये प्रमाइसेस देखा उसी तरह से वो भी एक बन जाएगा और आपके लिए वो भी सुविधा करेंगे। तीसरी चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि सब्सिडरी कैंटीन यहाँ आ जाए, जिससे आप अपने महीने का राशन पानी बाजार से कम रेट पर यहाँ से हासिल कर सके, और वो भी हम यही कोशिश करेंगे। सामने की तरफ जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं पुरानी सी, दो कमरे की रेलवे टाइप की दिख रही है, उसी में ही करेंगे, जिससे कि आपको सेंट्रलाइज फैसिलिटी मिल जाए। चौथी चीज़ जो डॉक्टर शाही साहब ने बोला CGHS, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले 48 घंटे के अंदर मेरा किसी न किसी से कॉन्टैक्ट होने जा रहा है, हमें सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं, DGP साहब ने डेडलाइन फिक्स रखी है कि फ्राइडे से पहले पहले मैं शायद गोरखपुर में किसी अस्पताल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शाम को शायद आपको कॉल आएगी 4-6 हॉस्पिटल्स के साथ हमारी बात होगी और उसमें आपको भी हम शामिल करते हैं कि आपकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। मैंने चिकित्सा विभाग को लिखा हुआ है, वहाँ से हमें 4-6 हॉस्पिटल का सजेशन आएगा, और नहीं भी आया आपका तो हम आपको भी शामिल करेंगे, और अभी दिशा निर्देश हमें ऊपर से आए हैं कि मैं अगले 48 घंटे के अंदर किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ टाइप करके प्रपोजल DGP साहब को भेजूँ। हर जिले का एक एक प्रपोजल जा रहा है, एक नोडल हॉस्पिटल प्राइवेट बन रहा है जिसमें आप विदाउट कैश जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं कार्ड बेसिस पर पुलिस वालों के लिए, ये एक अच्छी खबर है आपकी। इसी तरह से मैं चाहूँगा आप आ जाए ऊपर, आइए 2 बजे भी आएंगे तो मैं मना नहीं करूँगा, आप 4 बजे भी सुबह आएंगे मैं मना नहीं करूँगा, तो पेंशनर्स के लिए, हमारे बुजुर्ग परिवार के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, सभी के लिए मेरे दफ्तर घर जो भी कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। नोट कर लिया होगा ये फिजियोथेरेपी सेंटर डेवलप करने की सजेशन और लीडरशिप प्रदान करने के लिए, नेतृत्व प्रदान करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। करें कि सभी को आप मंत्र की स्थापना को शांति दिया। नहीं।
नियमित अंतराल पर पेंशनर्स के साथ जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी है उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन होता है, उसी क्रम में आज जो है आपने देखा खचाखच भरे हुए हॉल में हमारे पास पेंशनर्स जमा हुए थे जिनका नेतृत्व रिटायर्ड आईजी सर कर रहे थे और मैंने इनकी समस्याएं सुनी और पुलिस महकमा हमेशा से ही आगे से आगे रहा है अपने रिटायर्ड लोगों का वेलफेयर रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज में नुमाइंदे हैं और ये एक एक्सटेंडेड फोर्स हैं और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देते हैं और इनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है और दायित्व भी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज इनके लिए एक मेडिकल कैंप भी आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 17 डॉक्टर्स आए थे और आज तकरीबन 150 से अधिक पुलिसकर्मी रिटायर्ड और सर्विंग कर्मियों का मेडिकल चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट शाही हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित करवाया गया और हम लगातार इस तरह की गतिविधियाँ करते रहेंगे। ओवरऑल इसका संदेश यही है कि जनता में एक अच्छा संदेश जाए और पुलिस सदैव तत्पर रहे।